सत श्री अकाल जी सारे नूं। मैं मनदीप कौर हाजर हाँ जी तुहाडी बी ए फस्ट थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। बी ए थर्ड ईयर की साड़ी चल रही पंजाबी की क्लास के असी कर रहे हैं जी तुहाडी रीझां ते रमझां जिहड़ी बुक। इस तो पहला असी साड़ी इस पंजाबी की क्लास के तुहाडा शुरुआत की हुई सी जी तुहाडे नाटक की जो सीगा वर्का चलिता सुभा। वर्का नाटक का सार विषय वस्तु साहित्यिक परख पात्र चित्रण ये जो असी साड़िया पिछले क्लासों के कर चुके हैं। उस तो बाद अज असी लैके आए हैं तुहाडी तीसरी बुक। सो दो बुक जिदे विचों असी सब तो पहली जिहड़ी बुक सी तुहाडी तुहाडी जिहड़ी सब तो पहला वाली बुक जिहड़ी कीती है जो कि एक काव्य संग्रह है जो कि है आधुनिक पंजाबी कविता। उस तो बाद दूसरी बुक असी जिहड़ी आ उह कीता तुहाडा नाटक वार कर। सो पहली बुक नवें साले दे विच असी तुहाडे जिहड़ियां मतलब कवियां दे बारे विच जानकारी हासिल कीती, कवियां उन्हां दी रचनावां जो कि नवें साले बुक दे विच पढ़ियां। उस तो बाद तुहाडा सीगा जी वार कर नाटक जां लीली दा विआह वी कहा जांदा सी, उह वी साडा पूरा हो चुका है। उस तो बाद अगली जिहड़ी बुक आ उह तुहाडी इक बाकी रह गई है, उह है जी रीझां ते रमझां जिसनों के असी अज ही तुहाडी जिहड़ी क्लास दे विच कर रहे हैं। सो इस तो इस बुक ये जिहड़ी बुक है इस दे विच जिहड़े 10 निबंध साडे सामने रखे आ साडे राइटर ने वख-वख जिहड़े इहदे विच लेखक आ जिन्हां दे 10 निबंध जिहड़े हन उह असी साडी इस बुक दे विच करने आ जिसका नाम है रीझां ते रमझां। सो इस बुक दे विच सब तो पहला जिहड़ा निबंध है उह है जी गंगा इशनान। सो ये जिहड़े निबंध हन इन्हां दे विच किसी एक जिहड़ा आ एक टॉपिक नूं लै के जां एक विषय नूं लै के निबंध जिहड़े आ लिखे गए हन। सो साडा जिहड़ा पहला निबंध है उह है जी गंगा इशनान। सो साडा पहला निबंध गंगा इशनान। गंगा इशनान जिहड़ा साडा निबंध है इह साडा लिखिया होया है जी शरदा राम फिलौरी जी दा। शरदा राम फिलौरी जी दा ए निबंध जिहड़ा गंगा इशनान जो लिखिया होया है। सो गंगा इशनान निबंध विच पंजाबी वार्तक दे मुढले दौर दे कहिंदे जिहड़े एक प्रतिनिध लेखक शरदा राम फिलौरी जी दा लिखिया होया एक हल्की फुल्की इतिहास रच रचना है। इस विच लेखक ने दुआबे दे जिहड़ा दुआबा पिंड दे लोकां दा एक संघ आ जिहड़ा उह गंगा इशनान उहनां दा एक इकट्ठ आ जिसनूं असीं संघ कहा आ उह संघ जिहड़ा बना के गंगा इशनान करन जाणा फिर इस संघ दे विच शामिल कुड़ियां ते वोटियां दीआं भावनावां ससां ते नौहां प्रति उहनां दा रवैया। सो उस तों बाद औरतां दा चूलियां लैणा भिन्न भिन्न चीज़ां का त्याग करन दा प्रण करना नहाउण समें औरतां दे पैसे गहने कपड़ियां दी चोरी हो जाना बाजार दा भीड़ भड़का फिर किसी ब्राह्मण नूं सन्यौंदा देख के उस नूं खाण पीण दे जिहड़ियां चीज़ां उह देना गली दे विच हुंदियां लड़ाइयां दे बारे विच। सो इस तरह दा जिहड़ा जिक्र है इस निबंध दे विच साडा जिहड़ा लेखक है शरदा राम फिलौरी जी ने साडे सामने जिहड़ा है उह कीता है। सो असी हुण शुरुआत करन जा रहे हां जी इस निबंध दी जो कि शरदा राम फिलौरी जी दा लिखिया होया निबंध है गंगा इशनान। सो इस निबंध दे विच सब तों पहलां असी लिखांगे जी साडा जिहड़ा इह संघ जो है संघ दे विच शामिल इस्त्रियां पुरशां दा जमुनापुर पहुंचना। सब तो साडा जिहड़ा पहला पॉइंट है उह है संघ दे विच शामिल इस्त्री पुरशां दा जमुना जमुनापुर पहुंचना। सब तो पहला पॉइंट है साडा इस्त्री पुरशां दा जमुनापुर पहुंचना। ये जिहड़ा संघ है इस विच शामिल इस्त्री पुरश जिहड़े हन
ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਜਮੁਨਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਜੈ ਜਮੁਨਾ ਮਾਈ ਜੈ ਜੈ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਜੈ ਨੀਲ ਧਾਰਾ ਜੀ ਕੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ 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 ਜਲ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਜਲ ਕਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਨ ਕੀ ਲਾਈ ਬਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੀਰਥ ਬੜੇ ਛਾਲੀ ਬੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਪੱਪ ਕਟੇ ਹਰ ਦੁਆਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਗੁਆਚਣਾ ਗੱਠੜੀ ਗੁਆਚਣਾ ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤੇ ਗੱਠੜੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਗਲਾ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਸੋਰੀ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਟੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਟੀਆਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਵੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟੀਏ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦਦੇਸ ਪਤੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਫੇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੋ ਤੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਸੋ ਸੁੱਖੀ ਸਾਨੀ ਤੂੰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਸੈ ਵਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨੌਂ ਕਿਰਪੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਰਪੀ ਦੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਰਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਤੀਵੀਆਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚਲੋ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਬੇਬੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਚੂਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੂਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਚੂਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੋ ਚੂਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ
चूलियां लैनियां शुरू कर दित्तियां। एक छोटी जिही कुड़ी ने अपनी जग्यासा प्रगट करते हुए पूछया कि चूलियां की हुंदियां हन, तां उसकी परछाई ने उसनूं दस्या कि गंगा उत्ते बैठ के किसी नूं भी अपना धर्म की भैन जिहड़ी है वह बना लईदा है। आप गंगा जल की चूली भर के दूजी के हाथ से पा दिती जाती है ते सो उसनूं पी लैंदी है, फिर वह दूसरी जिहड़ी है वह अपनी चूली भर के उस दूजी नूं पिला दिंदी है। सो इस गल का नाम चूलियां लैना हुंदा है। परछाई अगे व्याख्या करती हुई कह दसदी है कि जिस दे नाल फिर चूलियां लईयां जांदियां हन, फिर सारी उम्र उसनूं अपने धर्म की भैन जिहड़ा है वह मनना पैंदा है, उसकी निंदा नहीं करीदी। परछाई होर दसदी है कि इसे तरह मर्द भी चूलियां लैंदे हन ते पग वट भरा जिहड़ा है वह बना लैंदे हन। कहिंदे जदों सारियां चूलियां लैण लगियां तां इक सियाणी ने कहा कि वह किसी ओपरी नाल चूली लवेगी, क्योंकि शहर वालियां नाल चूली लैण ते कहिंदे कई वारी लड़ाई झगड़ा गुस्सा गसीला हो ही जाता है, कई बार उसकी निंदा चुगली भी की जाती है। पर इस कहिंदे इस दे एक होर ने कहा कि वह तो गंगा जी ने ही अपनी भैन जिहड़ी है वह बना के चली है, क्योंकि जदों उसनू प्यार आता है वह उसनू घर तो ही सद लिया करेगी। सो इस तो बाद कहिंदे एक ने सलाह दी कि इस तरह इशनान करके मर्दा ने कुछ चीज़ा जिहड़ियां हन खाण पीण दियां छड़ दित्तियां हन, सो उन्हां नू भी कुछ ना कुछ चीज़ा जिहड़ियां हन छड़नियां चाहीदियां हन। ये सुन के तीवी ने चूली भर के एक ने बताऊं दूजे ने मसलां दी दाल किसी ने केले खाने छड़ता प्राण किया। उन्हां नू ये उन्हां दियां गल्लां सुन के एक साधु ने कहा कि तीर्थ उत्ते आ के खाण पीण दियां चीज़ां नहीं सगों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि चीज़ां नूं छड्डण दी गल कीती जांदी है। सो उन्हां इस ते उन्हां इस्त्रियां ने कहा कि अजिहा त्याग तां केवल संत पुरख ही कर सकते हन, उन्हां वर्गियां नहीं कर सकदियां। सो इस तों अगे है जी समान चोरी होना, अगे है समान चोरी होना। सो कहिंदे अगले जिहड़ा है कहिंदे जदों इस्त्रियां नहा धो के बाहर निकलदियां हन तां एक बोलदी है कि उसकी सलवार नालों किसी ने बटुआ तोड़ लिया है जिस दे विच 100 रुपए ते एक पा एक कौली अते होर 2 आनियां दी डब्बी ते टके सन। दूजी बोली उसकी चादर किते विखाई नहीं दिती जिस दे लड़ उत्ते पहुंची कहिंदे पहुंची बन बनी हुई सी। तीजी बोलती है कि उसके पैरां दी कड़ी जिहड़ी है वह गुआच गई है। इन्हां गल्लां नूं सुन के एक बुढ़ी नूं उन्हां नूं बुरा भला कहती हुई कहती है कि तुहाडे घर ते तां हुण मेरी ही गुत्त पुट्टणगे ना कि एडी सियाणी हो के वी इन्हां दीआं चीज़ां नूं संभाल ना सकी। सो इस तरह समान चोरी होण दीआं गल्लां जिहड़ियां हन करदीआं हन। अगे है जी बाजार जाना। सो अगे फिर बाजार जाण की जिहड़ी गल है वह होंदी है इत्थों तुर के सारियां जिहड़ियां हन वह बाजार दे विच दी डेरे वालों नूं तुर पैंदियां हन। राह दे विच इक कुड़ी नूं किसे दा बड़े जोर दे नाल धक्का लगदा है। इस ते कुड़ी दी मां धक्का देण वाले नूं गालां कढ़नियां शुरू कर दिंदी है। नाले लंघते हुए किसी नाल लंघते हुए किसी मुसाफिर ने कहा कि मेलियां दे विच तां भीड़ दे कारण अक्सर इस तरह हो ही जाता है। सो इस तरह तीर्थ इशनान दे उत्ते आ के उस नूं इंज जिहड़े हन कौड़े वचन नहीं बोलने चाहिए, पर इस दे नाल ही वह औरत दा गुस्सा जिहड़ा है वह शांत नहीं हुंदा। सो अगे है जी वापसी, अगे है वापसी। सो कहिंदे 5-7 दिन जिहड़ा है वह गंगा जी दे विखे बैठ के दुआबे का यह संघ जिहड़ा है अपनिया अपनिया गड्डिया जां रेल गड्डिया दे राही अपने घरां नूं वापस परत जांदा है। सारिया ने ही अपने भाईचारे दे विच प्रसाद जिहड़ा सी फुल्लिया का प्रसाद लैके आउंदे हन वह वंडिया सी। सो अगे है जी ब्राह्मणा नूं भोजन करवाउणा, अगे है ब्राह्मणा नूं
भोजन करवाना। सो जो संघ जिहड़ा है वह वापस अपने घर आ जाता है तो घर वापस आने तो बाद जिहड़े लोग हैं इन्हां दे विच ब्राह्मणा नूं जिहड़ा है भोजन करवाउण दी रस्म है वह की जाती है। सो इस तों बाद ही इन्हां दा जिहड़ा इह इशनान जिहड़ा है वह सफल मन्निया जाता है। सो इन्हां दे विच कहिंदे गोदामल दी जिहड़ी पत्नी है उसने घर आके ब्राह्मणा नूं भोजन करवा के शिद्दू लिया ते मंचे उत्ते सौण दी परवानगी जिहड़ी सी उह प्राप्त कीती। सो क्योंकि कहिंदे तीर्थ यात्रा दे दौरान उन्हां नूं कई दिन भुंजे सौणा पिया सी। सो गोदामल दी पत्नी ने इस प्रथा दे विच उलामा देण आए महल्ले दीआं 5-7 तीवियां जिहड़ियां हन उसनूं उलामा देण आउंदियां हन उह गीला करदियां हन कि गोदामल दी पत्नी ने उन्हां दे घर प्रसाद तक नहीं भेजिया। सो उस पर गोदामल दी पत्नी ने दस्या कि उन्हां ने जिहड़े ब्राह्मण बिठाए सन उह तां 15 सेर आटे दीआं सारियां रोटियां चौलां दी वलटोही मां दी दाल जिहड़ी सी उह सारी दी सारी खा गए। नतीजे वजो आंढ गुआंढ दे विच कुछ भेजण दे लई कुछ बचिया ही नहीं सी। उन्हां ने तां अपने परिवार दे लई भी दूजी वार रोटी बना के खाधी सी। सो उस तों बाद है जी चुगलखोरी ते लड़ाई। अगला पॉइंट है चुगलखोरी ते लड़ाई। अगला पॉइंट है सो कहिंदे कुछ समय बाद एक तीवी जड़ी है उसने राम दित्ते दी मां चंद कौर नूं पुछया कि ओह राम दित्ते राम देई दी निंदिया क्यों करदी फिरदी है। चंद कौर ने उस नूं दस्या कि एक दिन देवी तलाह दे उत्ते नहाउंदियां होईयां तीवियां दे विचों एक ने राम देई नूं पुछया कि उसने अपनी नूं क्यों घरों कढ दित्ती ए। उसने ते ओह दोवें एक दूजे नाल नूं गालां कढ़न लग पईआं ते दोवें ही चाटम चीटी हो गईआं। उस समें उस भाव चंद कौर दे मूहों निकल गया कि इसे जवान दी मिठास नाल उसने अपनी नूं नाल वैर सहेड़िया है। उसने इन्ना कहण दी देर सी कि उसने चंद कौर नूं गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। उस तों बाद ओह भाव चंद कौर हर किसी कोल उसकी निंदिया करती फिरती है। वह कहती है कि वह उस नाल नहीं लड़ेगी सगो किसी बराबर दे नाल लड़ेगी। उसने तो 500 रुपए पिछे अपनी कुड़ी जिहड़ी है वेच के पल्ले बन ले हन वह उसकी बराबरी नहीं कर सकती। सो जो रामदेव ने कुड़ी वेचण वाली गल सुनी तो वह कोठे उत्ते चढ़ के बोलन लग पई ते चंद कौर नूं गालां कढ़न लग पैंदी है। इस तों पिछों चंद कौर जिहड़ी है उह कोठे चढ़ गई ते उसने भी गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। एक वाक सुन के दोहां धिरां ने एक दूजे दे अगले पिछले खूब जिहड़े सन पुंछ छड्डे सन ते एक दूजे उत्ते दोष जिहड़े सन उह लाए सन। एक गुआंढण ने उहनां नूं गंध पकदिआं सुन के दोहां नूं झाड़ पाई ते लड़ाई बंद करन दे लई कहा पर दोहां दे विचों किसे ते वी उस दी नेक सलाह दा कोई असर ना होया। फिर जदों चंद कौर नूं खास तौर ते चुप करन दे लई कहा गया ते उह कोठे तों हेठां उतरी तां रामदेव वी कोठे तों हेठां उतर गई ते दोनां दी लड़ाई जिहड़ी सी उह समाप्त हो गई। उस तों बाद अगला पॉइंट है जी बहे लैणे। अगला पॉइंट है बहे लैणे। सो जिहड़ा बहे लैणे है इह भी इक जिहड़ी है रस्म है जो इह दुआबे दे पिंडां दे लोकां दे द्वारा जिहड़ी कीती जांदी है। सो बहे लैणे दा मतलब जिहड़ा है उह की हुंदा है कहिंदे लड़दिआं जदों चंद कौर दा गल सुक गया
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹੇ। ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹਿ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜ ਬਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ, ਬਿਸ਼ਨ, ਰਾਧੇ ਕਿਸ਼ਨ, ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ, ਤੁਲਸੀ ਕਿਸ਼ਨ, ਅੰਤ ਕਬੇਲਾ, ਰਾਮ ਸਹਾਇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵਾਰ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਲਸੀ ਕਿਸ਼ਨ, ਰਾਮ ਸਹਾਈ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਰਾਧੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਾਪਣ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਤਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੀਆਂ ਖੁਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਦ ਕੌਰ